छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हाँ सोना, ठीक है ठीक है। देखो भाई, अब जब तुम पाकिस्तान आई गई हो तो यहाँ के लोगों को कुछ पढ़ा भी दो भाई, अपने मुल्क के लोगों को पढ़ाना सवाब भी है और फर्ज भी। हाँ 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 बिल्कुल ठीक। ऐसा करते हैं कि वो स्कूल बनाने वाली बात ना हम दोनों मिलके कर लेंगे। अभी इस वक्त तो मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। ठीक है, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। गुलाब लड्डू। हाँ जी 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 घर का काम फौरन कर लीजिएगा और पूरा कीजिएगा, और वापसी पर हो सकता है कि मैं अपनी दोस्त की तरफ जाऊं, वो ऑस्ट्रेलिया से आई है ना। बेगम, ये ऑस्ट्रेलिया मुल्क का नाम है या शहर का? गुलाम क्या हो गया है आपको, आपको इतना भी नहीं पता? मुझे क्या होना है, शादी के बाद तो मैं मोहल्ले से नहीं निकला बाहर। अरे हद होती है ससुर जी, ऑस्ट्रेलिया एक शहर का नाम है और वो अमेरिका के बिल्कुल बराबर में है। ओफो लड्डू, तुम तो गुलाम से भी ज्यादा जाहिलाना बातें करते हो। भाई ऑस्ट्रेलिया एक बर्रे आजम भी है और एक मुल्क का नाम भी है। बर्रे आजम? लेकिन वो क्या होता है, मैंने वजीर आजम सुना है। लेकिन बर्रे आजम? अरे पापा लड्डू, बर्रे आजम मतलब ये कॉन्टिनेंट को बोलते हैं। हाँ भाई, कॉन्टिनेंटल बेकरी का नाम तो सुना है मैंने। हद हो गई वैसे, अरे आप लोग तो बिल्कुल ही पैदल है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान कहाँ है? हमारे दिल में। अरे भाई मैं नक्शे की बात कर रही हूँ, नक्शे की, हमारे दिल में। नक्शा तो दुकान पे होगा भाई। अरे मामा आप एक काम करें, सबसे पहले ना आप तालीम इन दोनों की करवाइए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो हनी, मैं सोना को फोन करती हूँ। ये क्या कह रही है, बस इसी बात की कमी रह गई थी। हेलो। हाँ सोना, वो मैं ये कह रही थी कि तुम सबसे पहले तालीम का आगाज ना मेरे घर से कर दो। हाँ हाँ यहीं से स्कूल खोल लो, आज से और अभी से, बस अभी आ जाओ तुम, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँ। चलो ठीक। बस बस इसी की कमी रह गई थी, क्या कर रही हैं आप, अब हमें स्कूल में दाखिल करवाएंगी आप बेगम? अरे नहीं बाबा, स्कूल नहीं भेजूंगी, यहीं पढ़वाऊंगी, यहीं तालीम दिलवाऊंगी घर में। अच्छा ये देखें, ये मेरी दोस्त की तस्वीर है सोना की, ये कल ही ऑस्ट्रेलिया से आई है, गौर से देख लीजिए इसे। ये आ जाएगी यहाँ पर, बल्कि अभी आती ही होगी, रास्ते में होगी, ये पढ़ाएगी आप लोगों को, और बिल्कुल तमीज और तहजीब से पढ़िएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर, कोई बदतमीजी ना हो। चलिए अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, एक मीटिंग है ऑफिस में। ठीक है ठीक है ठीक है, काम में लगिए। लड्डू जाओ, मुझे ना वो अच्छी सी मसालेदार सी नूडल्स बना के ला के दो, जाओ। तो आप कमरे में चले, आप जाएं मैं जल्दी। जी 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 बेगम, मैं ला के दे दूंगा, 5 मिनट में आया, 5 मिनट, 2 मिनट में। ससुर जी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि उस्तानी हमारी कितनी प्यारी होगी यार। हैं ससुर जी, मम्मी जी की दोस्त हैं, क्या हुआ यार, बहुत मारेंगी मम्मी जी। मैं जो सोच रहा हूँ, जरा सुने तो सही, मेरा आज का प्लान क्या है। बात सुन, नो डील्स बना और ड्यूटी पे जा, चल। मैं तो कहता हूँ प्यारे मियाँ, ऐसी उस्तानी से पढ़ के जिंदगी समर जाएगी। यार मेरे लिए काम जरा मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है इनको देख के उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कमाल करते हो, अगर मेरी जहानत और हुसन की ताब ना लाते हुए उसने अपनी नसें काट ली तो? मैं तो कहता हूँ आप जानते नहीं है, आप उसको देख लेंगे तो आप अपनी नसें काट बैठेंगे। ससुर जी मैं तो कहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ये मोहल्ले में किसी को काट बैठे। अच्छा तो ठीक है भाई, हम भी देख लेंगे वो ज्यादा हसीन है या हम। तो लाए फिर एडवांस फीस 5,000 रुपए। अरे ये लो, 5 क्या, ये लो 10,000 रुपए एडवांस। ये 10,000 क्यों भाई, 10,000 क्यों? अरे भाई मेरा भाई है ना दुलारे मियाँ,
भाई तालीम की जरूरत उसको है भाई, मैं तो यूं ही दिल पिशोरी करने आ जाऊं। अरे वो तो खुद ही आ गए। अरे क्या हो रहा है, इतना दम में दफीर थी लदा हुआ है, क्या दुलान साहब बतियत कर रहे हैं क्या? हाँ, इनके मरने के बाद इनके बाल आपके सर पे लगवा देंगे। हाँ तो ही फायदा नहीं है, ऐसे बाल तो तिथि भी नाई की दुकान से उठाते लदा लूंगा। बात सुनो दुलारे भैया, तुम्हारी आला तालीम के लिए ना मैं तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ, दिल लगा कर पढ़ना है। तेती बातें कर रहे हो भाई साहब, ततमा लदाते तो पढ़ा नहीं जाता, दिल लदाते क्या पढ़ेंगे? तू बातें मत करो, आओ तैयारी करते, तुम्हें नया कुर्ता दिलवाता हूँ। नहीं नहीं आ जाओ। आदा आदा अच्छा ना भी लेना। अच्छा वो पैसे तो भूल जाओ, पैसे तो ना जमा कर, चलो पैसे तो। चलो भाई शुरू करो, कहाँ है वो खूबसूरत उस्तानी? कमाल है भाई कमाल है, इंतजार इंतजार में आधा घंटा गुजर गया। गुलाम तानी बेगम गुजर गई, बहुत अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ। लेकिन गुलाम तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम रंडवे होकर भी रंडवे नजर नहीं आते। अरे क्या हो गया अब्बा, जिंदा है मम्मी जी है? तो फिर ये चादर क्यों बिछी हुई है? अरे यहाँ क्लास हो रही है। तानी बेगम तो रोज तुम्हारी क्लास लेती है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? बात सुनो, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तालीम दी जानी है। बात क्या बकवास कर रहे हो, हमारा तालीम से गहरा ताल्लुक है, हमारे दादा परदादा मुगलिया दौर से तालीम याफ्ता है। जब मुगलिया डूब गए सारे। बकवास मत करो, हम तुम्हें दीवारों में चुनवा देंगे। बात सुनो भाई, कैसी बातें कर रहा है यार, अब मैं को दाल चावल में बड़ा कंकर हूँ जो तुम मुझे चुनवा दोगे? कमाल है भाई, इसको क्यों भूला छोड़ा है, इसको भी तो बिठाओ। खबरदार, हम बैठने नहीं आए हैं, हम आपके लिए तालीम फराहम करेंगे, समझे? भाई ये चिटिंग है, हमसे तो कहा गया था कि खूबसूरत उस्तानी पढ़ाएंगी। क्या कई अबा, एक मिनट, यहाँ बैठने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। यहाँ चुप, बकवास कर रहा है लड्डू है, वो अपने बाप से फीस लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तो मुझे तहीं से भी शादी शुदा नहीं लग रही। तो मैंने कब कहा कि मैं शादी शुदा हूँ, मैं अभी तक कवारी हूँ। क्या कुआरी होते इतना तवाल? कमाल है भाई कमाल है, लग रहा अपनी फीस जो है ना वो वसूल हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? खैर क्लासरूम कहाँ है? जहाँ खड़ी हैं आप यही क्लासरूम है। पर मैं तो समझी बच्चों के वालदैन का ये वेटिंग रूम है, पर बच्चे हैं कहाँ? ये बच्चे कुचे ही बच्चे हैं। अगर यही बच्चे हैं तो फिर आप शुरू हो जाए पढ़ाना। बात चले ठीक है, पर तानी ने तो कहा था कि बच्चों को पढ़ाना है। आपने गलत सुना होगा, उन्होंने कहा होगा कि बच्चे वालों बल्कि बच्चे हुए लोगों को पढ़ाना है। अच्छा चले ठीक है, फिर क्लास शुरू करते, आप नहीं बैठेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं माशाल्लाह पहले से ही बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ देखूंगा। और आप? नहीं 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 नहीं, मैं तो पहले से ही डबल मास्टर हूँ। ओ लड्डू ओ लड्डू लड्डू ओ ओ चले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड बॉय, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है सोना। वाह कैसा सोना नाम है। कमाल है भाई कमाल है, आजकल मार्केट में सोना क्या रेट चल रहा है? ये वो वाला सोना नहीं है, सोना नाम है। अबे ओ तोई तोने वोने की बात नहीं करे था, कल रात में तोया भी नहीं हूँ यार। क्या बदतमीजी है, किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाते। छोड़े जी, इन जाहिलों को क्या मालूम कि खातून की इज्जत क्या होती है। आप मुझसे बात करें, मैं हूँ इस क्लास का मॉनिटर, करे ना बात करे ना। अच्छा आपकी तारीफ। आराम जो किसी ने की हो। मैं कह रही हूँ चुप करा लो इसको। जहाँ कोई लड़का देखा
वही जलना शुरू हो गए। अबे तुम लोग देना फिर लल्ले लद्दे यार। अबे तामने तीतर तरिए कोई पतीतर नहीं। खैर सब बारी बारी अपना तारुफ करवाइए और खास तौर पे याद रखिएगा कि तारुफ इंग्लिश में होना चाहिए। आई एम ए रशीद नॉट ए टेररिस्ट। कैसा? हाँ ठीक है। हैं? ये कैसी तारीफ हुई? खैर छोड़े आप बताइए। आई एम असलम ग्रेट। माय वर्क इज ग्रेट जानी वेल्डिंग। हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। खैर छोड़े आप बताइए। आई एम बोर्न देन बोर्न। हालांकि ये है समद बोर्न। ही इज टू ब्रदर वन फुल फ्राई वन हाफ फ्राई। यत 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 यत। पकड़ो। हेलो। हाँ 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 या बच्चों को पढ़ाने आई। हाँ हाँ तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। हाँ हाँ इंशाल्लाह बात हो। चलो ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके अल्लाह हाफिज़। ये मैडम आपके पाँव के नीचे कुछ है। ये किसने किया कचरा? नहीं 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 कैसी बातें कर रही हैं आप। ये कचरा नहीं है ये तो प्यारे मियाँ है बहुत ही प्यारे मियाँ। हटो मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह कोई ना लगे वरना मैं सबको अंग्रेजी तरीके से बेइज्जत करूंगा। ये अंग्रेजी तरीका क्या होता भाई? दिए हुए पैसे वापस लेके। आप सब छोड़े मेरी सोना मेरा मतलब है मेरी मैडम सोना टीचर। खैर ये सब कचरा किसने किया? कमाल है भाई कमाल है। कैसी उस्तानी है पर्चे आपके पैरों के नीचे पड़े और पर्चों की कदर नहीं है आपको। वाह भाई वाह। एक दफा उठा के तो देख ले। अच्छा कल मैं क्लास शुरू होने से एक घंटा पहले आ जाऊंगा आप भी आ जाइएगा खूब बैठकर बातें करेंगे। किसने लिखा है ये? मैडम ये बताइए छोटी राइटिंग है या बड़ी? छोटी। तो फिर इसने लिखा है इसने ही लिखा है। लेकिन मैं ऐसा क्यों लिखूंगा? मैं तो वही तो हम पूछ रहे तू ऐसा क्यों लिखेगा भाई क्यों लिखा है ऐसा? मैंने तो अपनी पर्ची में लिखा था कि फिल्म देखने कब चलेंगे आप। क्या मालो मालो इतो बैठ दो। हद होती है इतने छिछोरे लोग हैं ना अपने साथ साथ उस बच्चे को भी खराब कर रहे हैं। बच्चा नहीं है वो मर्द कामिल है। क्या मतलब? अरे आप मतलब को छोड़े ना बस एक बात समझ लें बच्चा नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो मेरा तो सर दुख रहा है तुम एक करो एक कप चाय पिला दो और उसमें चीनी ना कुछ ज्यादा डालना क्योंकि मुझे लग रहा मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। आप फिक्र ही ना करें चीनी में ही चाय बना के ले आता हूँ। सच्ची? मेरे कान के पास गा रहे हो बदबा लग जाएगी मेरी। और भाई ते सामने दा रहे हो मेरी हाय लग जाएगी तुम्हें। चुप करो। बहुत अच्छे लड्डू मियां जिन्होंने पैसे लिए उन्हें चाय पिला रहे हो और जिन्होंने पैसे दिए उनकी परवाह ही नहीं है। प्यारे मियां जल्दी से जाकर बंदोबस्त कर लो लड्डू मियां। सोना लेके भाग जाऊंगा। क्या होती है सोना लेके भाग जाऊंगा हम किससे पढ़ेंगे फिर? बात समझ में नहीं आ रही है चाय आ रही है वहां जा रही है खाना आ रहा है वहां जा रही है यार। यू यू गुलाम तो क्या हुआ भाई फिक्र क्या? देखो चाय का क्या हुआ बस ये देखो हुआ क्या चाय लेके आओ बोलो। चाय लेके आओ चलो चलो। अबे अब क्या करें यार मुझे क्या पता था सबको चाय चाहिए होगी चीनी तो खत्म हो गई
भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लड्डू मेरी समझ मुझे मालूम था गरीब और कड़के लोग, इसीलिए तुम बावर्ची खाने से बाहर नहीं आ रहे थे। अब्बा आप ही बताए ना हम क्या करें। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बस जल्दी से चाय बनाओ। फीकी चाय बगैर चीनी के? मैं कह रहा हूँ वो मैं निमट लूंगा, बस तुम चाय बना के मेहमानों के पास लाओ। अभी होशियार खलगा, चाय तशरीफ ला रही है। चाय गरम, चाय गरम रे, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम रे, ए मस्त मलंगे, ए चाय गरम में मस्त मलंगे, चाय गरम में, चाय गरम रे। ठहरो, पहले मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस चार कप में किसी कप में चीनी नहीं है, ये तय है कि किसी एक कप में चीनी नहीं है। जो बगैर चीनी की जिसके पास जाएगी चाय, उसने आज दोपहर को होटल से खाना मंगाना है, बस ये तय हो गया। ठीक है, चलो डंग मंगा। एक मिनट में पहले बता दो ना कि चीनी किस में नहीं है। ये कैसे बताएंगे जिसके पास जाएगी? मैं कर लूंगा। शरबत बना दी तुमने उसको तो यार, वो इतना शुगर डालता है क्या? नहीं सही। दंग मंगा मंगा जा, दंग मंगा मंगा जा, दंग मंगा। बच गया, मैं तो बच गया, मेरी चाय में भी चीनी है। मंग टका टका मंग टका टंग मा टंग मका मंगटा टंग मका मंगटा टंग मका। छोटा रे, मुझे दावत भी पितर नहीं है, मेरा दिल चाह रहा था तीनी वाली चाय पीने, तो तीनी वाली चाय थी, मजा आ गया यार। टंग मका मकता टंग मका मकता टंग मका मकता टंग मका। चाय एक है आदमी दो। टंग मका मकता टंग मका मकता टंग मका मकता टंग मका मकता डंग मका मकता डंग मका मकता डंग मका। क्या दुश्मनी है मेरे से? सारी चीनी एक ही कप में डाल दी? सब कप में चीनी थी तो बगैर चीनी का कप गया कहाँ? अबे तिधर तला दिया, बगैर चीनी वाली चाय पिलाते। बगैर चीनी वाली मेरे पास तो इतनी फीकी आई थी, बता नहीं सकता। भाईजान तेरे पास डबल थी। अबे यार, तेरा अब्बा तो बड़ा होशियार है यार, अबे कैसे मिनटों में सबको पीकी चाय पिलवा दी। अरे ससुर जी मेरे ऊपर जो गए, अरे जल्दी करे, अपनी क्लास का टाइम हो गया, जाए। अबे हाँ हाँ, मेरी क्लास निकल जाएगी, मेरी क्लास निकल जाएगी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी जो मैंने समझाया था समझ गए आप लोग? यू आर लेट। नो नो मिस, आई एम सिटिंग, यू आर लेट। ओहो, लेट आने का मतलब होता है देर से आने का, लेटने वाला लेट नहीं। ए मेरी सोना। क्या? मेरा मतलब है कि मेरी टीचर सोना, मैडम इन जाहिलों का इंग्लिश से क्या ताल्लुक, क्या वास्ता? अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी। अच्छा कौन बताएगा क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? पहला मैच कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हमको तो याद नहीं, लेकिन जो अब मैच होगा तो इसी ग्राउंड में करवा लेंगे इंशाल्लाह। क्या है? मेरा सवाल ये था कि पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, होने वाला वर्ल्ड कप का नहीं पूछा मैंने। तुम क्या मुझे गौर गौर से देख रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, सो रहा हूँ। हाँ तो तुम बताओ, पहला वर्ल्ड कप स्टेडियम में हुआ था। ओहो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन लोग मुझे छोटू छोटू कहते हैं। ओहो, फिर भी नाम क्या है? शफकतुज़्ज़मान नब नवाज़ुद्दीन उर्फ शर्फी।
मिस बात दरअसल ये है कि इसकी सारी लंबाई इसके नाम ने ले ली, तो इसलिए ये ठिब्बा रह गया थोड़ा। चुप करो तुम। तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? जो अम्मा कहती हैं। ओहो, चुप ही कर जाओ। चलो दुलारे, तुम सुनाओ उर्दू में गिनती। मैं 1 2 4 5 बस बस रुक जाओ। क्या हो गया? 1 2 के बाद 3 कहाँ गया? मीत आज मैंने थबरों में तुना था, थड़त हाथे में 3 हालात। दुलारे मियाँ, दुलारे मियाँ। मैडम देखे ना, आज मैंने बिल्कुल नया कुर्ता पहना है, कुछ तो ख्याल करें। गुलाम तुम सो क्यों रहे हो? गुलाम जी सो क्यों रहे हो? असल में आपकी आवाज इतनी सुरीली है कि मुझे सुरूर आ गया। अच्छा, तो इन बाकियों को मेरी आवाज सुनकर सुरूर क्यों नहीं आ रहा? वो लोग तो आपकी सुन ही नहीं रहे कुछ। तुमने कहा था बच्चे नहीं बच्चे वालों को पढ़ाना है। अरे तो मैंने तो सिर्फ लड्डू और गुलाम को पढ़ाने के लिए कहा था, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? इन सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं कहती हूँ ये सब क्या हो रहा है। चलिए उठिए, चलिए अपने अपने घरों को जाइए। ऐसे कैसे चले जाए? 10,000 रुपए दिए नगद एडवांस। हमने तो 2,000 रुपए दिए इनको घर पे ट्यूशन पढ़ाने के, और 1,000 रुपए पार्क में घूमने के। मैंने भी दिए। अरे तो पैसे दिए किसने आपसे? इसने। लड्डू एक बीसी खाली तो कयामत आ गई क्या? अरे मेरे पेटे अभी नहीं डालो। अब मैं यही रहूंगा इस घर में तुम्हारे साथ। ओ पागल पागल तो नहीं हो गए ये घर है? आज तो मैं अपने हाथों से प्यारे मियाँ को चाय दूंगी। बेगम हम तुम्हें रख तो लेंगे लेकिन पैसे लगेंगे 20,000 रुपए, वो भी कुछ दिन के लिए। क्या हो दिया 20,000 रुपए? थोड़ी बहुत खिदमत कर ली जाए पहले उनकी, फिर किसी बहाने से वो टिकट उनसे ले लिया जाए। ये बात तो ठीक है। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो। भाई मेरे हुस्न से जल करो, पहले भी खवातीन मुझ पर कई हमले कर चुकी है। अरे हुस्न वो भी आपने? तेरा नारियल फोड़ दूंगा ये वाला मैं। गुलामिया तुम अच्छा नहीं कर रहे। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां, घर का मां के घर का मां।